हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमिला, प्रमिला की रेसिपी में फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही टेस्टी और मजेदार रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी करे अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। घंटे इसको रख दीजिए फ्रिज में बनाकर और आपका ये डेजर्ट हो जाएगा कितना शानदार, यम्मी फ्रेंड्स। मुंह में एकदम स्लाइवा आ जाएगा फ्रेंड्स। वाओ, कितना खूबसूरत लग रहा है ये फ्रेंड्स। आप मीठा खाने के शौकीन हैं और मीठे में फ्रेंड्स डेजर्ट मिल जाए तो क्या बात है। ऐसे ही वो शानदार यम्मी यम्मी ठंडी ठंडी कूल कूल रेसिपी लेकर आए हैं फ्रेंड्स हम। चाहे पार्टी हो या घर का कोई भी ओकेशन हो, बनाकर 2 घंटे पहले रख दीजिए फ्रिज में और आपके लिए ये बहुत ही आसान हो जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए मुंह में स्लाइवा आने वाली रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। 1 कप लेंगे कंडेंस मिल्क। यहाँ पर हमने ठंडी वाली बिल्कुल ली है अमूल की फ्रेश क्रीम। ठंडी होनी चाहिए क्योंकि हमारा जो ये डेजर्ट है ठंडा ही अच्छा लगता है, गर्मियों के मौसम में बहुत ही यम्मी होता है फ्रेंड्स। और ये फ्रेंड्स 250 ml का हमने लिया है, तो इसको सभी को हम निकाल लेते हैं। देख सकते हैं ये गाढ़ा इसीलिए है, काफी ठीक है क्योंकि हमने इसको अच्छे से फ्रिज में रखा था, काफी ठंडा हो चुका है। अब इन सभी को हम कर लेते हैं फ्रेंड्स मिक्स। इसमें हमें चीनी डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि कंडेंस मिल्क जो होता है काफी मीठा होता है फ्रेंड्स। बढ़िया से एकदम स्मूथली इसको हम मिक्स कर लेंगे। आप अगर इसको फ्रेंड्स ब्रेकफास्ट में 1 बाउल भी खा लेंगे तो आपका पेट भर जाएगा और काफी, क्योंकि टेस्टी होने के साथ साथ में ये हेल्दी भी है। ये डेजर्ट बहुत ही अच्छा है, आप चाहे अपने घर के लिए बनाइए या गेस्ट के लिए बना के इसको रखिए, बस ये ठंडा काफी होना चाहिए। ये देखिए काफी अच्छे से मिक्स हो चुका है बिल्कुल। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने 2 मैंगो का पल्प बना के रख लिया था, इसको इसमें ऐड करते हैं क्योंकि हमारा डेजर्ट है बहुत ही ज्यादा यम्मी कंडेंस मिल्क मैंगो डेजर्ट है ये फ्रेंड्स। अब इन सबको हमें मिक्स कर लेते हैं। अब जब भी अपने घर में ये बनाए तो 2 से 3 घंटे के लिए इसको बना के फ्रिज में रख दीजिए, जिससे काफी टेस्टी हो जाए ठंडा होने के साथ साथ में फ्रेंड्स। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ हो चुका है, इसकी कंसिस्टेंसी देखिए आप कितनी लाजवाब लग रही है। यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप ग्रेप्स, जिसको हमने अच्छे से धो लिया था और इसको लंबे लंबे स्लाइस में कट कर लिया है फ्रेंड्स। और यहाँ पर इसको एकदम यमी यमी बनाने के लिए हमने व्हाइट और ग्रीन कलर के लिए हैं रसगुल्ले, जिसको हमने इनको निचोड़ लिया था और इसकी चाशनी निकाल ली है क्योंकि हमारे जो कंडेंस मिल्क होता है वो काफी ज्यादा मीठा होता है फ्रेंड्स। एकदम डिफरेंट यूनिक रेसिपी है ये। इसमें ऐड करेंगे हम पिस्ता, जो जिनको हमने स्लाइस में कट कर लिया है। आप अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर लीजिए। काजू ऐड करेंगे, जिनको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है फ्रेंड्स। और हमने यहाँ पर भीगे हुए बादाम लिए हैं, जिनको स्लाइस में कट कर लिया। बादाम को भीग के ही लें और इनको स्लाइस में लंबे लंबे स्लाइस में कट कर लें। इलायची को हमने क्रश कर लिया है, इसको भी ऐड कर देते हैं, इनको मिक्स कर लेते हैं। और भी फ्रूट ऐड करने से पहले इसमें हम थोड़ा सा फ्रेंड्स बनाना और ऐड करेंगे क्योंकि बहुत ही यमी होता है, बनाना बच्चों को भी फेवरेट होता है। तो चलिए थोड़ा सा बनाना इसमें हम और ऐड कर लेते हैं। ये आगे फ्रेंड्स हमारे बनाना स्लाइस। अभी इसमें हमें एक चीज और ऐड करनी है, 1 स्पून ऐड करेंगे हम केसर मिल्क। आप चाहे तो इसको क्रीम में भी ऐड कर सकते हैं मिक्स करके। अभी उन सभी को मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया यमी यमी डेजर्ट हमारा बन गया है फ्रेंड्स ये, और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आपके मुंह में आ रहा होगा ना स्लाइवा फ्रेंड्स, क्यों ना आएगा जब घर में ऐसा यम्मी यम्मी डेजर्ट बनेगा फ्रेंड्स। जब भी कोई गेस्ट आने वाला हो आप इसको बनाकर पहले ही रेडी कर सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा ये यम्मी यम्मी मैंगो डेजर्ट बनकर तैयार हो गया है कंडेंस मिल्क वाला फ्रेंड्स। तो आपको जरूर पसंद आया होगा। ये हमने इसको ग्रेप से गार्निश कर दिया है और ऊपर से डाल देंगे हम इसमें थोड़े से बादाम की स्लाइस।
कितना खूबसूरत लग रहा है ना फ्रेंड्स, काफी हेल्दी भी है, वेरी वेरी टेस्टी और यमी तो है ही फ्रेंड्स। तो आपको पसंद आई होगी मेरी ये शानदार रेसिपी, तो आपको फटाफट से कर देना है लाइक शेयर, और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे मेरी कोई भी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, फिर से मिलेंगे आपको एक न्यू रेसिपी में फ्रेंड्स।